years. My name is Suresh Gehlot, Gurukul Academy from Java. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनकी इंग्लिश में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाते हैं। हिंदी में नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम जैसे हिंदी में नेगेटिव बनाते हैं तो हम नहीं का प्रयोग करते हैं और प्रश्नवाचक बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम इंग्लिश के अंदर नेगेटिव इंट्रोगेटिव को हम कैसे बनाते हैं, तो इंग्लिश के अंदर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तीनों पार्ट डिफरेंट है। सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करेंगे कि पार्ट ए में हम इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं सेंटेंस को। तो पार्ट ए इसमें होती है, सबसे पहले है हेल्पिंग वर्ब और मॉडस। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये सभी से हेल्पिंग वर्ब टेंस के अंदर आती है, अंतर्गत आती है। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वो होती है जो कि मुख्य क्रिया का सपोर्ट करती है, वो होती है सहायक क्रिया होती है। तो सहायक क्रिया कौन कौन सी सहायक क्रिया होती है, ये सहायक क्रिया एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डीड, शैल, जो कि भविष्यकाल को शो करती है। ये सभी सहायक क्रिया है जो कि टेंस के अंदर पूछी जाती है। और ये मॉडल्स होते हैं कैन, कुल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्त। ये सभी मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स मतलब ये विशेष प्रकार की सहायक क्रिया होती है जो कि इंग्लिश के अंतर्गत आ जाती है। इसका इसका स्पोकन में भी बहुत यूज होता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाए, तो बहुत इजी है। सबसे पहले इसका रूल्स देखना है। रूल्स लिखा है कि नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। कैसे बनाएंगे, इस सहायक क्रिया या मॉडल्स के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब हमको अगर नेगेटिव बनाना है, अगर वाक्य को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, यदि वाक्य के अंदर नॉट सहायक क्रिया या मॉडल्स आता है तो आपको उसके बाद क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, सबसे पहले हम इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। He is a doctor. इसमें सही क्रिया ढूंढना, आपको सही क्रिया कौन सी है, तो सही क्रिया कौन सी है, is. We were playing games. इसमें सही क्रिया कौन सी है, were. She can write story. इसमें मॉडल्स देखो ना, can. We should study daily. तो ये सही क्रिया और मॉडल्स है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान देना है, इनके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है और वाक्य में किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है। तो ही इज अ डॉक्टर, इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। तो ही इस के बाद आपने लगा दिया नॉट अ डॉक्टर, इज नॉट डॉक्टर, इस के बाद आपने नॉट लगा दिया, वह एक डॉक्टर है। इसका नेगेटिव बना तो वह डॉक्टर नहीं है। वी वर प्लेइंग गेम्स, इसका नेगेटिव बनाना है आपको। तो वी वर सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर के बाद आपको लगाना है नॉट, वी वर नॉट प्लेइंग गेम्स, और बाकी का सेंटेंस आपको एज लाइक लिखना है। She can write story. तो आपको इस can के बाद not लगाना है। She can, इस can के बाद आ जाएगा not. She can not write story. उसी प्रकार से जब हम इसका बनाएंगे तो ये है should. तो आपको क्या करना है, इस should के बाद क्या लगाना, not. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, not. We should not study daily. इस प्रकार से हम negative बनाएंगे। अब आता है बात interrogative बनाएगी। Interrogative कैसे बनाओगे, interrogative मतलब प्रश्नवाचक। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए नियम है कि सहायक क्रिया या मॉडल्स को कर्ता के आगे रखते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाते हैं। इस नियम का यह अर्थ है कि यदि आप वाक्य को पढ़ोगे, वाक्य के अंदर सहायक क्रिया या मॉडल्स है, तो आपको उस वाक्य को अगर प्रश्नवाचक बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो उसको आपको कर्ता के आगे रखना। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को जो वाक्य के सबसे पहले आता है वो कर्ता होता है। आई, यू, वी, दे, ही, सी, ये सभी सब्जेक्ट होते हैं। इनके आगे आपको सहायक क्रिया या मॉडल्स को रखना जो भी वाक्य के अंदर आता है। जैसे सेम के सेम एग्जांपल मैंने ली है, जो हमने नेगेटिव बनाए तो उन्हीं एग्जांपल का हम इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक का चिन्ह होता मतलब प्रॉपर भी प्रश्नवाचक का चिन्ह यूज करना है। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, इसका हमको प्रश्नवाचक बनाना है। तो इनको प्रश्नवाचक बनाने के लिए ये जो सहायक क्रिया है ये उठ के कर्ता के आगे आ जाएगी। तो इज ही अ डॉक्टर, और आखिर में आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार से ये है सही क्रिया वर है, इस वर को आप आगे ले लोगे तो वर वी प्लानिंग
गेम्स और वाक्य के अंत में, शब्द के अंत में, सेंटेंस के अंत में प्रश्न का चिन्ह लगा दें। सी कैन राइट स्टोरी। अब इसके अंदर आपको सहायक क्रिया देखना कौन सी है, कैन। तो इस कैन को हम सब्जेक्ट के आगे ले लेंगे, ये सब्जेक्ट है, इसमें ही सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, इसमें सी सब्जेक्ट है, इसके आगे ले लेंगे तो कैन आगे आ जाएगा। कैन सी राइट स्टोरी, और प्रश्नवाचक का चिन्ह का यूज कर रहे हैं हम। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, अन्यथा वाक्य गलत हो जाएगा। वी शुड स्टडी डेली, इसके अंदर क्या है, शुड है, विशेष हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल से इसको हम आगे ले लेंगे। तो शुड वी स्टडी डेली, और वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार से हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। यदि वाक्य के अंदर सहायक क्रिया या मॉडल्स होते हैं, आपको सबसे पहले तो आपको वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ना है और वाक्य में देखना है कि क्या है। यदि वाक्य के अंदर सहायक क्रिया होती है और मॉडल्स होते हैं और उन वाक्यों का आपको नेगेटिव बनाना है, तो वेरी इजी, आप इसको नेगेटिव बनाने के लिए इनके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है। और इन्हीं वाक्यों को अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना बनाना है, तो इनको उठा के आपको सब्जेक्ट के आगे रखना है। इसी प्रकार से मैंने पार्ट ए है, पार्ट बी बनाए। पार्ट बी के अंदर इसमें मुख्य क्रिया वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है, पार्ट सी के अंदर जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, वो सेकंड फॉर्म में होती है। वो आगे के जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको शो करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों और परिचितों को इस बताइए, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके और अंग्रेजी में अच्छी तरह से परफेक्ट हो सके। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।